नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है ये भी बताने जा रहा हूँ। तो पेश है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो त्रिभुज है एबीसी और यही चीज हमें दी गई है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का निशान बना है। एसी का स्क्वायर, पहली भुजा का वर्ग, पहली भुजा एसी, और ये किसके बराबर है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी और बी सी। इनका भी वर्ग करना है और बीच में डालना है जमा का चिन्ह, यानी कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, तो पहली भुजा कौन सी है? एसी। एसी का सम्मुख कोण, सामने का कोण जो बी पर है, ये कितने का है? 90 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है। तो अब हम आते हैं रचना पर। तो रचना में क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज की हमने रचना करनी है। पी क्यू आर, पी क्यू आर की रचना इस तरह करें कि कोण क्यू 90 डिग्री का हो और पी क्यू रेखाखंड ए बी के बराबर हो। तो पी क्यू कितनी बड़ी हमने लेनी है भुजा, ये लेनी हमने ए बी के बराबर, और इसी प्रकार क्यू आर बी सी के बराबर लेनी है। प्रमाण में आते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहली बात, समकोण त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं हम पी क्यू आर को? त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है क्योंकि इसमें कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री का है, इसलिए समकोण लिखा गया है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ये आपको भी पता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रमाण में आप फिर से देख लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से पी आर, पी आर क्या है? कर्ण। तो कर्ण आपका पी आर, तो पी आर इसका स्क्वेयर बराबर है पी क्यू का स्क्वेयर प्लस क्यू आर का स्क्वेयर या वर्ग। अब आपको पता ही है कि पी क्यू किसके बराबर है? ए बी के बराबर रचना से। तो पी क्यू स्क्वेयर की जगह क्या लिख लिया? ए बी स्क्वेयर। इसी प्रकार क्यू आर किसके बराबर है? बी सी के बराबर। तो क्यू आर स्क्वेयर की जगह हमने लिखा बी सी स्क्वेयर। पी आर स्क्वेयर के नीचे पी आर स्क्वेयर ही रहने दिया, तो इससे समीकरण एक प्राप्त हुआ। और जबकि दिया है हमें, ये दूसरा समीकरण कैसे आया? ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दिया है क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वेयर बराबर है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये दिया हुआ है। तो ए सी स्क्वेयर बराबर है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, आप देख सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो दाईं ओर है, दाईं ओर बराबर के दाईं ओर ये बराबर हैं, तो बाईं ओर भी बराबर होंगे, बाईं ओर के हिस्से भी क्या होंगे? बराबर। तो ए सी स्क्वेयर बराबर है पी आर स्क्वेयर। अगर वर्ग वर्ग बराबर हैं तो ए सी हमने पी आर के बराबर ही लिखा है, वर्ग वर्ग हटा दिए। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आते हैं। तो पहला जो हिस्सा है हमारे पास बराबर बराबर, वो क्या है? ए सी बराबर है पी आर, ये हमने अभी अभी सिद्ध किया हुआ है। और दूसरा जो भाग है इनके दोनों त्रिभुजों में, वो है ए बी बराबर है पी क्यू, क्योंकि हमें पी क्यू बराबर ए बी दिया हुआ है रचना में, आप देख सकते हैं। तो मैंने ए बी पहले लिख लिया है क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी के नीचे इसके भाग ही लिखने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने ए बी लिखा है पहले, पी क्यू हमने लिखा बराबर है के दाईं ओर। इसी प्रकार बी सी बराबर है क्यू आर, बी सी बराबर है क्यू आर, ये भी रचना से ही है। अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के नीचे हमने इसी के भाग या भुजाएं लिखी हुई हैं, और जबकि त्रिभुज पी क्यू आर के नीचे इसकी भुजाएं लिखी हुई हैं।
से हमारे पास त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यूआर सिद्ध हो गई, अर्थात ये कैसे सिद्ध हुई, एस 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 सर्वांग समता से या भुजा 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 सर्वांग समता से। अब सीपीसीटी से कोण बी बराबर है कोण क्यू, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू, ये संगत भाग हो गए। और कोण क्यू 90 का था इसलिए हमने कोण क्यू के नीचे 90 डिग्री लिख लिया है, और यही हमें सिद्ध करना था, कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री, पी पर जो कोण है वो 90 डिग्री सिद्ध करना था। एक बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। धन्यवाद।